ट्रॉफी के साथ एक बार फिर है इशिता साथ, और इस बार जो ट्रॉफी है वो है इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 की फर्स्ट रनर ऑफ की ट्रॉफी। इशिता कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच नुपुर दी, और इनका साथ तो मुझे बहुत पहले से रहा है, सो थैंक यू सो मच। और जितने भी फैंस हैं, जितने भी फैमिली है, मैं सभी फैंस को फैमिली कहती हूँ, क्योंकि दो लोगों के साथ आई थी और अब जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है लाखों लोग मेरे साथ हैं, तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने अपना इतना प्यार देके मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया, और बस यही प्यार हमेशा मेरे साथ रखिएगा। कितना प्यार, कितना दुलार तो आप लेके जा ही रही हैं यहाँ से, और जबलपुर की शान है इशिता, तो कितना जबलपुर वासियों को कितनी खुशी मिलने वाली है, क्या क्या तैयारियाँ हो गई है स्वागत की? अरे हमारे जबलपुर में अभी हम होम कमिंग के लिए गए थे जब, तो पीपल वर क्रेज़ी, और लोग चाहे ना धूप देख रहे हैं ना गर्मी देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, बट एकदम इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और सारी चीज़ें मतलब होर्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं वोटिंग के लिए लोग, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जबलपुर जाने में ना और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पहले मैं उनसे वोट मांगने गई थी, अब उनके वोट्स के बदौलत मैं उनको ये देने जा रही हूँ और ये उनको डेडिकेट करने जा रही हूँ। सो लिटरली अभी भी जब उनको पता भी नहीं था कि अभी कौन सा रैंक सिक्योर किसने किया है, उसके बावजूद भी सब लोग पोस्टर्स और सब में विनर विनर ही लिख के बैठे हैं, मैंने कभी बनी नहीं हुई, डिसाइड नहीं हुआ ये सब, तो फिर वो यही कहते हैं कि नहीं हमारे लिए तो हमारी बेटी विनर है। तो अब तो इस ट्रॉफी के साथ में जाने वाली हो, पूरा जश्न की तैयारियां मतलब पूरी हो चुकी है कहेंगे, और यहाँ पर जो है अगर IGT के मंच की बात करें तो मंच कितना मिस करने वाली हो? बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मैं सच कहूँ ये मंच को तो मैं इतना मिस करने वाली हूँ, क्योंकि इस मंच ने, IGT ने, इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं यहाँ जब आई थी तो काफ़ी टूटे हुए थे हम, IGT वो स्ट्रेंथ बनी हमारी, या वो ताकत बना हमारी जिसने हमें बिखरने नहीं दिया और जिसने हमें बना दिया, तो मैं सभी जजेस का बहुत थैंक यू बोलूँगी, और एक आनंद शर्मा सर जो हमारे म्यूज़िक मेंटर रहे हैं, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है, तो मैं उनका बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। इतना अपने आप को बनाया है खुद से, इतना कितना आशीर्वाद रहा है घर के लोगों का, तो वो थोड़ा कितना फैमिली सपोर्ट? फैमिली तो हमारी बची ही तीन लोगों की, मम्मी, मेरी छोटी सी बहन और मैं, बट मैं ये मानती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इसमें पापा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, क्योंकि पापा इतनी छोटी उम्र में हमें छोड़ के चले गए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको भी बड़ा दुख लगता होगा, बीमारी ना होती तो ऐसा कभी ना होता, लेकिन ठीक है नियति में था लिखा वो होना तो हो ही गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि पापा मुझे, मैं एक दिन बहुत इमोशनल ऐसे हो गई, तो मनोज मुंतशिर सर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही और कहा इसको तुम जीवन भर याद रखना कि तुम्हें बहुत खुशी होती है ना आज जब तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, तुम फर्स्ट रनर अप बन रही हो, तुम फर्स्ट रनर अप बन रही हो, तुम्हें प्लेबैक करने मिल रहा है, तुम्हें इतने बड़े बड़े चांस मिल रहे हैं, बादशाह सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, शिल्पा मैम का इतना प्यार है, ऑडियंस का इतना ज़्यादा साथ है, तो मतलब ये सारी चीज़ें तुमको मिल रही है, कैसे मिल रही है? तो मैंने कहा पता नहीं सर, अपने आप हो रहा है। तो वो कहने लगे कि पहले तुम एक भगवान में मानती थी, अब तुम्हारे पास दो दो भगवान हैं, और पापा ना यहाँ से जाके ऐसे ही नहीं गए हैं, तो वहाँ जाके अब वो भगवान से लड़ लड़ के तुमको सब दिलवा रहे हैं कि अब मेरी बेटी को ये दो, मेरी बेटी को वो दो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितना फेमिलियर या कितना अच्छा माहौल हमको मिला होगा इस शो में या इस सीज़न में, इससे मतलब साबित हो जाता है, और मैं यही कहूँगी कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। अच्छा सपना तो और भी पूरा हुआ है आपके साथ साथ मम्मी का भी, जिनकी इच्छा थी जो आपका सपना मतलब आपके थ्रू जी रही है, तो और मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आने का ना मोटिवेशन मुझे ऐसे ही मिला था, क्योंकि जब उस हादसे से हम गुजरे थे तो इस शो में आना एक सवाल भी था, एक रिस्क भी था, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे ऐसी फैमिलीज, हम जैसी फैमिलीज हमेशा एक सोशल प्रेशर में होती है, एक सोशल, एक सामाजिक वो होता है कि भाई क्या कहेंगे लोग कि कैसे आपने ये निर्णय ले लिया,
कि आप 14 दिन भी नहीं हुए और कैसे आप ये सोच सकते हो कि, तो एक रिस्क था कहीं ना कहीं, पर मेरे मन में जो मेरा थॉट था वो केवल इतना था कि अब हमारे बीच हमारे पापा नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों का क्या, मम्मी पापा ने बचपन से लेके अभी तक इतना संघर्ष किया, उन संघर्षों का क्या, इतने सैक्रिफाइसेस किए हमारे लिए, हमने सपना देखना सिखाया, बड़े बड़े सपने देखे। छोटी सी थी मैं, कहती थी मैं भी बड़े होकर स्टार बनूंगी, कभी ये नहीं बोला कि हाँ तुम क्या कर पाओगी, कभी नहीं कहा, हमेशा मोटिवेट किया। हमें छोटे से जबलपुर, हमारा छोटा सा शहर है, कभी ये नहीं कहा कि तुम इतने बड़े सपने क्यों देख रही हो, तो क्या होगा उन सपनों का। तो मेरे मन में केवल एक ही थॉट था कि भले ही पापा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सपने, मम्मी पापा का संघर्ष माँ तो है, माँ ने जीवन भर जो इतना सहा है और जो किया है उसको सफल करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी, और क्या क्या कुछ वो अवसर के बारे में भी थोड़ा बता दो जो आपको अब मिल चुके हैं और बहुत जल्दी बड़े पर्दे पर अब छाने वाली है इशिता। मेरे जीवन का, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो तोहफा मुझे मिला है, या जिसको मैं मानती हूँ कि हर एक सिंगर का ना सबसे बड़ा सपना होता है कि कभी वो अपनी आवाज़ बड़े पर्दे पर सुन सके, और मनोज मुंतशिर सर ने मुझे ये मौका दिया द इनकार्नेशन सीता इस फिल्म में गाने का, और कंगना रनौत जी की ये फिल्म आने वाली है, और अलौकिक देसाई जी का डायरेक्शन है, अंशिता देसाई जी को प्रोड्यूसर हैं, और इन सबसे उन्होंने मुझे मिलवाया और मुझे साइनिंग अमाउंट दिया। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे जीवन में पहली बार हो रही थी मेरे लाइफ में, और सब देख के ना, मतलब पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी सोचती हूँ ना तो एकदम मुस्कान आ जाती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये इतने लाखों लोगों का प्यार है, ये सबका ना, सबकी दुआएं हैं जो मुझे फलीभूत होके मिल रही हैं। और इशिता को जो है यहाँ टैग मिला है लता जी का, कि उनसे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब सेम आवाज़ है ये कहा गया है, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो कितना अच्छा लगता है और इसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है फिर अपने कंधों पर। छोटी लता जी, ये केवल एक उपलब्धि नहीं है, ये नाम मिलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक सिंगर के लिए ना लता जी के गाने के साथ न्याय कर पाना एक कठिन टास्क हर बार होता है। पर मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि लोगों ने मुझमें छोटी लता जी की छवि देखी, या उनको कहीं ना कहीं लगा कि मैं लता जी जैसे बन सकती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। और लता जी ऐसी रही हैं कि हम अगर एकलव्य हैं तो वो हमारी द्रोणाचार्य रही हैं, उनसे हमने भले ही हम कभी मिले ना हो पर उनके संगीत से बहुत कुछ सीखा है, वो उनका म्यूज़िक, उनका गाना, उनका संगीत ही हमारे लिए म्यूज़िक का इंस्टीट्यूशन रहा है, ने बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखते रहेंगे। और मैं बहुत इस बात को लेके शुक्रगुजार हूँ कि बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत सम्माननीय महसूस करती हूँ जब भी कोई मुझे छोटी लता जी कह के बुलाता है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।